हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए चटकारेदार जायकेदार आलू चना मसाला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए हम बनाते हैं। बनाने के लिए लेंगे हम बॉईल किए हुए देसी चना 2 कटोरी, 2 आलू मीडियम साइज के बॉईल किए, 1 प्याज मीडियम साइज की कट की हुई, 1 मीडियम साइज के टमाटर कट किए हुए, हल्दी पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, 1 चम्मच गरम मसाला, अदरक, लहसुन की 4 कलियां, नमक स्वाद अनुसार। अब चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हींग और अजवाइन। कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए लहसुन। अब इन्हें अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी देखिए फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे कट किए हुए टमाटर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, तो मसाला और टमाटर काफी अच्छे से ये पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे कट की हुई ये बॉईल की हुई आलू। इसे हम 2-3 मिनट के लिए भूंज लेंगे। दो मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे हम ये बॉईल किए देसी चने। अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर। 2 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अनुसार, 1 पूरा कटा हुआ नींबू का रस, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पुदीने का पाउडर। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। टेस्टी जायकेदार आलू चना मसाला बनकर तैयार है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।